और मुकुट के हिसाब से ही तालियां आपकी बजनी चाहिए, तब लगेगा कि आपकी उपस्थिति है। भारत में सितारा है तो तलवार समर्पित कर रहे हैं और ये क्षत्रियों की छाड़ दलों की प्रतीक है। इतनी जबरदस्त तालियां बजाइए कि अविनाश ही अनुग्रहित हो जाए और ये तस्वीर हर एक दिल में कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। मैं अभी बेन मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा के बेन में खड़ा हूं, जहां पर संजय कुमार सिंह जो जदयू के कदावर नेता है, संजय कुमार सिंह जो जदयू के एमएलसी भी है, उनका स्वागत करने के लिए लोग यहां पर बेन ग्राउंड में पहुंचे हैं। बेन ग्राउंड में संजय सिंह एमएलसी जदयू के, उनका स्वागत किया गया, घोड़े बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले वो मिलर आप बेन ग्राउंड में उनका स्वागत किया गया, चांदी का मुकुट देकर स्वागत किया गया, तलवार देकर स्वागत किया गया। ये उनको सुनने के लिए आए, ये अक्सर आप बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार यात्रा पर वो निकले हुए हैं धन्यवाद यात्रा करने के लिए। पहले कुछ दिन पूर्व वो निकले थे मुख्यमंत्री को, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो धन्यवाद दे रहे, धन्यवाद इस बात को लेकर दे रहे हैं कि सूरवीर महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा अनावरण किया गया था पटना में, मूर्ति प्रतिमा लगाई गई थी उसको लेकर वो धन्यवाद यात्रा पर निकले, धन्यवाद विभिन्न जिलों में गए हैं, लगभग बिहार के अनेकों जिलों में जाकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे। देख सकते हैं कि किस तरह से वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, संजय कुमार सिंह एमएलसी हैं जदयू के, वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनको चांदी का मुकुट दिया जा रहा है, तलवार दिया जा रहा है। बेन में उनको हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप स्मृति समारोह है, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में 28 जनवरी 2024 को मिलर हाईस्कूल के ग्राउंड में, पटना के मिलर हाईस्कूल के ग्राउंड में मनानी जा रही है, उसको लेकर ये अब निमंत्रण की ओर निकले हैं, निमंत्रण देने के लिए निकले हैं कि 28 जनवरी को लाखों की संख्या में लोग जुटे और उस कार्यक्रम को सफल बनावे और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे। आखिर करके इनकी जो समाज के हैं, सूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई गई थी, इनके समाज के उत्थान के लिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई गई थी पटना के, पटना में प्रतिमा लगाने के बाद ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद यात्रा पर निकले थे। अब इसी कड़ी में नालंदा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के गृह जिला पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के गृह जिला में इनका जोरदार स्वागत किया गया। बेन प्रखंड में, बेंड प्रखंड में इनकी जोरदार स्वागत की गई है, इनका स्वागत जोरदार, हजारों की संख्या में लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में इनको सुनने के लिए लोग मुख्यमंत्री के गृह जिला में इनका स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तमाम वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से संजय सिंह जो जदयू के कतावर नेता हैं, एमएलसी हैं जदयू के, उनका स्वागत करने के लिए लोग बेन में जुटे, ये निमंत्रण देने के लिए बिहार निकले, नालंदा के मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, चांदी के मुकुट देकर और तलवार देकर इनका स्वागत किया, निमंत्रण इस बात को देकर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में 28 जनवरी जो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनानी जानी है, उसको लेकर ये निमंत्रण देने के लिए नालंदा के गृह जिला से आज आगाज इन्होंने कर दिया। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट वॉच चैनल। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।